मित्रों नमस्कार संस्कृताय, मैं हूं संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से आपका मित्र सर्वज्ञ भूषण। आपने अभी तक रामायण पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, खासकर रामायण वैसे तो आपके UGC की 9वीं इकाई है, इकाई 9 में आपको रामायण पढ़ना है, पर ये जिस किसी भी परीक्षा में संस्कृत साहित्य का इतिहास भी है और इतिहास का ये पहला आदि काव्य है, आर्ष काव्य है, लौकिक संस्कृत का पहला ग्रंथ है, पहला महाकाव्य है, इसलिए इससे सवाल UGC के अलावा भी TGT PGT या UP TET वगैरह में भी सामान्य सवाल इससे पूछ लिए जाते हैं। तो मैं प्रश्नोत्तरी पर आपसे चर्चा करूंगा। अभी तक जितने वीडियोज आपने पढ़े हैं उनमें जो भी आपने पढ़ा है वो प्रश्नोत्तर के रूप में आपके सामने कैसे आ सकता है इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। इस स्लाइड का नाम ही है रामायण पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। वैसे तो प्रश्न बहुत बन सकते हैं, 24,000 श्लोक हैं, बहुत सारी सूक्तियाँ हैं, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा मैं आपसे करने वाला हूँ जो पिछली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछा गया है या जो पूछे जाने की संभावना है। तो आइए हम श्लोक शुरू करते हैं। रामायण पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज। मैं सवाल पढ़ूंगा और उसके बाद आप जल्दी से जवाब दे दीजिएगा और मैं भी यहाँ पर जवाब देने की कोशिश करूँगा। पहला प्रश्न है कि रामायण के रचयिता कौन है, कि व्यास, वाल्मीकि, मनु या तुलसीदास। तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि है, या आप पीछे से पढ़ के आए हैं तो आप इसको सही कर लीजिए। फिर वाल्मीकि ने किस ग्रंथ की रचना की, उसी प्रकार का सवाल है। मान लो वाल्मीकि को पूछे कि किस ग्रंथ की रचना की, तब रामायण हो जाएगा। तो महाभारत, गीता, रामायण और उत्तररामचरितम में आपको सही लगाना है क्या, वाल्मीकि ने किस ग्रंथ की रचना की, तो आपको रामायण लिखना है। और पूछे कि रामायण के रचयिता कौन है, तो वाल्मीकि लिखना है। और रामायण में श्लोक संख्या कितनी है, ये आपको पीछे पढ़ाया गया है, जल्दी से विकल्पों को देख करके आप देखें। लक्ष्य श्लोका माने 100,000 श्लोक हैं, कि चतुर्विंशति सहस्र श्लोका 24,000 श्लोक हैं, कि षड्विंशति सहस्र श्लोका 26,000 श्लोक हैं, कि चत्वारिंशत सहस्र श्लोका कि 40,000 श्लोक हैं। तो निश्चित रूप से आप जान गए होंगे इसमें 24,000 श्लोक सही हो जाएगा। ये तीन सवाल आपने पढ़ लिए, मैं तीनों के उत्तरों को मिटा के अब आगे बढ़ता हूँ। चौथा सवाल देखिए, संस्कृत साहित्य किम काव्यम आदि काव्यम कथ्यते। समझ में आ गया होगा कि संस्कृत साहित्य में किस काव्य को आदि काव्य कहा जाता है, कौन सा काव्य है जो आदि काव्य कहा जाता है। क्या हम भागवत को आदि काव्य कहते हैं, कि रामायण को कहते हैं, कि महाभारत को कहते हैं, कि भगवद गीता को कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सवाल का उत्तर समझ गए होंगे, श्रीमद् रामायण ये आदि काव्य है। संस्कृत साहित्य में हम आदि काव्य के रूप में किसे जानते हैं, आदि काव्य कहें चाहे आर्ष काव्य कहें चाहे लौकिक संस्कृत साहित्य का पहला ग्रंथ कहें, श्रीमद् रामायणम ये पहला ग्रंथ है, आदि काव्य है। इसलिए संस्कृत साहित्य में किसे आदि काव्य कहा गया, तो आपको रामायण में चिन्ह लगाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है, आप इसे देखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए खासकर UGC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। वैसे तो TGT PGT इत्यादि में संस्कृत साहित्य का इतिहास है और संस्कृत साहित्य के इतिहास में रामायण से प्रश्न एकाध दो पूछ ही लिया जाता है। तो चाहे राजस्थान की आप रीट परीक्षा में बैठ रहे हों, चाहे MP वर्ग 1-2 में आप बैठ रहे हों, या किसी भी परीक्षा में संस्कृत से जुड़ी हुई कोई परीक्षा और जिसमें संस्कृत साहित्य के इतिहास से सवाल आ रहे हों, उनमें रामायण का रहना आवश्यक है। अब फिर से मान लो सवाल पूछ ले कि चतुर्विंशति सहस्री संहिता किसे कहते हैं। चतुर्विंशति माने 24,000, सहस्री माने 1,000, 24,000 श्लोकों वाली संहिता कौन सी है, जय है कि रामायण है कि महाभारत है कि अग्निपुराण है। तो मेरे ख्याल से आप तुरंत चिन्ह लगा देंगे, मेरे कहने के पहले ही आपका चिन्ह लग जाना चाहिए कौन सा उत्तर होना चाहिए, रामायण। अब इसके आगे छठवां प्रश्न है कि वाल्मीकि रामायणम कीदृशम ग्रंथमस्ति। जो वाल्मीकि रामायण है वो किस प्रकार का ग्रंथ है, वो चंपू काव्य है कि खंड काव्य है कि गीत काव्य है कि महाकाव्य है। मेरे ख्याल से आप सब जानते होंगे क्या, कि जो वाल्मीकि का रामायण है वो महाकाव्य है, इसलिए आपको दूसरे वाले विकल्प को सही करना है। फिर रामचरितमानस में कितने कांड है, रामचरितमानस तुलसीदास वाली जो रामचरितमानस है उसमें 7 कांड हैं कि 12 हैं कि 15 हैं कि 8 हैं। तो मेरे ख्याल से आप सब जानते होंगे, भारत में जो भी पैदा हुआ हो रामचरितमानस को ना जानता हो, उसके कांड ना जानता हो, उसको पैदा होना व्यर्थ है, ऐसा हम नहीं ऐसी सारी दुनिया कहेगी। अब वाल्मीकि रामायण में कितने कांड है पूछ ले, तो भी इसका भी उत्तर क्या होगा, 7 कांड वाल्मीकि रामायण में भी हैं और 7 ही कांड रामचरितमानस में हैं। 5, 9, 10 ये कोई कांड यहाँ पर नहीं है, मतलब 7 कांड यही सही होगा। वाल्मीकि रामायण में कितने कांड है, जब ऐसा सवाल पूछे तो आपको क्या लिखना है, 7 कांड। इसके आगे के सवालों में चलिए।
भाई साहब बोलते भी रहो, आपसे भी पूछ रहे हैं, इधर देखिए तुरंत जवाब दीजिए, केवल बैठिए खाइए सोइए भर नहीं, दिन में पता चला कि 3 बार खावें 4 बार खावें, अब इधर नहीं देख रहे हैं। आर्ष का भी है, मान लो ऐसा सवाल पूछ ले, क्या भागवत पुराण आर्ष का भी है कि रघुवंश है कि उत्तरामचरित है कि रामायण है? अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि आदि काव्य पूछे चाहे आर्ष काव्य पूछे, आपको रामायण ही लिखना है। क्या उत्तर हो जाएगा? रामायण। रामायण को क्या कहते हैं? ये खंड काव्य है कि महानाटक है कि चंपू काव्य है कि आदि काव्य है? अभी अभी इस सवाल को आपने पढ़ा था कि रामायण को क्या कहते हैं, ये ना खंड काव्य है ना महानाटक है ना चंपू काव्य है, ये क्या है? ये आदि काव्य है, ये आर्ष काव्य है, ये महाकाव्य है, ये इस प्रकार की संज्ञाएं किसकी है? रामायण की। 10 प्रश्नों की सीरीज आपके सामने हो चुकी, 11वां प्रश्न लीजिए, वाल्मीकि रामायण में किस रस की प्रधानता है? वीर रस की कि रौद्र रस की कि शांत की कि करुण की? अब इसके पहले हम लोग पीछे की वीडियोज में पढ़ के आए हैं कि वाल्मीकि रामायण में किस रस की प्रधानता है, यदि ऐसा सवाल पूछे तो आपको क्या लिखना है? करुण रस। अब मैं आगे चलता हूं, जहां पर आपको 12वां प्रश्न दिख रहा होगा, शोकः श्लोकत्व मागता। शोकः श्लोकत्व मागता किसके लिए कहा गया? सीता के लिए कि भवभूत के लिए कि वाल्मीकि के लिए कि व्यास के लिए? तो ये कहा गया है शोकः श्लोकत्व मागता किसके लिए कहा गया है? वाल्मीकि के लिए। अधस्तनेषु सत्यासत्य पर्यायेषु समीचीनं विचिनत। थोड़ा ध्यान से देखते चलिए, ये पूछ रहा है कि यहाँ ये जो तालिका दी जा रही है इसमें आपको सत्य और असत्य छांटना है। यहाँ लिखा है कि भवभूतिना महाभारतम लिखितम, ये असत्य है। रामायणे रामस्य कथा वर्तते, ये सत्य है। दशरथा अजस्य पुत्र आसीत, ये सत्य है। दशरथस्य माता अरुंधति आसीत, ये क्या है? असत्य है। दशरथ की माता अरुंधति नहीं है। अब ये इसमें पहला और आखिरी क्या है? असत्य है। ये देखिए, पहला और आखिरी ये असत्य है, बीच के दोनों सत्य हैं। तो देखिए बीच के दोनों सत्य हैं, इसलिए ए वाले विकल्प को आप सही कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ आपने देखा अधस्तनेषु सत्य और असत्य छांटना था। भवभूति ने महाभारत नहीं लिखा, व्यास ने महाभारत लिखा है। भवभूति उत्तराम चरितम और महावीर चरितम लिखते हैं। रामायण में राम की कथा, ये बिल्कुल सही है। दशरथ अज के पुत्र हैं, ये सही है। दशरथ की माता अरुंधति नहीं है, अरुंधति पत्नी है किसकी? वशिष्ठ की। तो ये आपने 13वां प्रश्न लिया। इस प्रकार के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आखिरी आई, रामचरित ज्ञानार्थम वाल्मीकये को वरम अदात। राम का चरित्र पूरा उनको ज्ञान हो जाए, राम का चरित्र पूरी तरह से वो जान जाएं, ऐसा वाल्मीकि को किसने आशीर्वाद दिया था? ब्रह्मा ने। बिल्कुल सही, नारद ने कथा सुनाई थी, लेकिन रामचरित आपको ज्ञान हो जाएगा, आप रामचरित लिखिए, आप राम कथा लिखिए, ऐसा आशीर्वाद तो ब्रह्मा ने दिया था। इसलिए 14 का 3रा सही होगा। नारद पर चिन्ह नहीं लगाइएगा, नारद ने राम को राम कथा सुनाई थी वाल्मीकि को, लेकिन आशीर्वाद वाल्मीकि को वर नहीं दिया था, वर दिया था किसने? ब्रह्मा ने। अब हनुमतो लंका यात्रा कस्मिन कांडे वर्णिता, हनुमान जी की लंका यात्रा किस कांड में वर्णित है? लंका कांड में कि सुंदर कांड में कि अरण्य कांड में कि युद्ध कांड में? बोलिए, हनुमान की लंका यात्रा वर्णित है सुंदर कांड में। सुंदर कांड की शुरुआत ही होती है कहां से? वहां जहां से वो पुल समुद्र पार करते हैं, यही आपको सुंदर कांड में बताया गया है। पिछली वीडियो निकाल करके देखिए। तो हनुमान जी की लंका यात्रा किस कांड में वर्णित है, यदि ऐसा पूछे तो क्या लिखेंगे? हाँ, लंका कांड नहीं मार देना, लंका यात्रा देख के लंका कांड लगा दो, नहीं फिर लंका ही दहन हो जाएगा। हनुमान की लंका यात्रा सुंदर कांड में है। सुंदर कांड का प्रारंभ ही होता है समुद्र पार करने से, और हनुमान जी का समुद्र पार करना ये सुंदर कांड का पहला सर्ग है। इससे ही सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है, और जब तक हनुमान जी वापस नहीं आ जाते हैं तब तक सुंदरकांड रहता है। अर्थात तो उसके बीच की जो भी कथा होगी सब सुंदरकांड में होगी। ये कुछ कॉमन सेंस है, हम पढ़ाते समय आपको बताए थे, उसको याद रखिएगा। इसके बाद है किसका शोक श्लोक में परिणत हो गया? किसका शोक श्लोक में परिणत हो गया? कालिदास का कि शकुंतला का कि वाल्मीकि का कि सीता का? तो आपको क्या लिखना है? वाल्मीकि का। तो इसको आप सही कर लीजिए। फिर रामायण काव्य से रचना काल अस्थि त्रेता युग की द्वापर की कलयुग की सतयुग? त्रेता युग। चूंकि राम का और वाल्मीकि का ये समान काल माना जाता है, और उसी काल में ये रचना लिखी गई, और उसी वाल्मीकि के आश्रम में सीता रहती हैं, लवकुश का जन्म भी वाल्मीकि के आश्रम में होता है, वही वाल्मीकि राम रामायण लिखते हैं, इसलिए ये त्रेता युग की ही कहानी कही जा सकती है। अब वाल्मीकि कृत रामायण किसकी कथा पर आश्रित है? तो उसमें कृष्ण कथा है क्या, कि बलराम की कथा है, कि शिव की कथा है, कि राम की कथा? तो सामान्य चीज़ें हैं, ये आप समझ गए होंगे। इनका जवाब आपको क्या लिखना है ये भी आप जानते हैं। 19वां सवाल देखिए, 18 सवाल आपने पढ़ लिए हैं।
18 सवालों का सही सही जवाब दिया आपने। ये आप देखते चलिएगा, जो लोग वीडियोस देख रहे हैं वो देखते चलें कि जो प्रश्न है इनमें से मैं कितना अच्छा कर पा रहा हूँ। इसके पहले के 2-3-4 वीडियो रामायण पर हैं, उनको आप देख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको अपनी औकात पता चलेगी परीक्षा में। वैसे बड़े सामान्य प्रश्न है, यदि आप पहले की वीडियोज़ देख के आए हैं तो आप इनको कर लेंगे। महर्षि वाल्मीकिना रामायणम वर्णितम, महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण में कहाँ तक उन्होंने, किस रामायण को लिखा है, कि स्किंदा कांड तक, कि सुंदर कांड तक, कि उत्तर कांड तक, कि युद्ध कांड तक। देखिए, महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो विरचित रामायण है, ऐसा आलोचक समालोचक मानते हैं कि केवल युद्ध कांड पर्यंत तक ही उन्होंने लिखा है। तो उत्तर कांडम यावत आपको नहीं लिखना है, जो कि जो समालोचना की गई है वो इसीलिए सवाल पूछा गया। नहीं, महर्षि वाल्मीकि रामायण ने उत्तर कांड तक लिखा, ये कोई कॉमन सवाल हो जाता। उत्तर कांड आखिरी कांड है, सब जानते हैं, पर जो इसके बारे में समालोचकों का कथन है, आलोचकों का जो कथन है, वो सब मानते हैं कि केवल उत्तर कांड तक की ही रचना वाल्मीकि की है। तो परीक्षा की दृष्टि से जब आपसे पूछेगा तो युद्ध कांड तक ही आपको लिखना है, उत्तर कांड तक उनकी रचना नहीं है। लेकिन अपनी मान्यता के लिए, अपनी आस्था के लिए, अपने विश्वास के लिए, यदि कोई हमसे पूछे कि कहाँ तक है, तो मैं तो सातों कांड वाल्मीकि की रचना मानता हूँ, ये अलग बात है। पर समालोचकों और आलोचकों के कथन के आधार पर यदि सवाल पूछे तो आपको युद्धकांड तक ही लिखना चाहिए। युद्धकांड माने लंका कांड, जिसको तुलसीदास लंका कांड कहते हैं, उसी को वाल्मीकि ने युद्धकांड कहा है। अब रामायण कथा वाल्मीकि का उपदेश, रामायण की कथा को यानी राम कथा को वाल्मीकि को किसने उपदेश दिया, भरद्वाज ने कि वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद, क्या उत्तर हो जाएगा? रामायणम भाषायाम लिखितम, रामायण किस भाषा में लिखा है, वैदिक में कि प्राकृत में कि अपभ्रंश में कि संस्कृत में? तो रामायण लिखा गया है किस में? संस्कृत में। अब आगे आ जाइए, वाल्मीकि रामायणे पूछ रहा है कि पंचमम कांडम किम, वाल्मीकि रामायण में पंचमम कांडम अस्ति, अरण्य कांड पांचवा कांड है कि किष्किंधा की, सुंदर कांड की, युद्ध कांड? तो वाल्मीकि रामायण का पांचवा कांड कौन सा होगा? सुंदर कांड। पहला कांड है बाल कांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा कांड है अरण्य कांड, चौथा कांड है किष्किंधा कांड, पांचवा कांड है सुंदर कांड, छठवां कांड है युद्ध कांड, सातवां कांड है उत्तर कांड, सात कांड है। पूछ रहा है कि पंचमम कांडम तो सुंदर कांडम, पूछे कि तृतीयम कांडम तो आपको अरण्य कांड लिखना है, चौथा कांड कौन है? किष्किंधा है, छठवां कांड कौन सा है? युद्ध कांड है, पांचवा कांड कौन सा है? सुंदर कांड है। ऐसा आपको लिखना चाहिए। पहला कांड आप बाल कांड को जानते ही हैं, दूसरा कांड अयोध्या कांड ये भी आप जानते हैं, और सातवां कांड उत्तर कांड है ये भी आप जानते हैं। देखिए पूछा है सुंदर कांडे सर्गानाम संख्या, सुंदर कांड में कितने सर्ग हैं? पूरे रामायण में 500 सर्ग आपको लिखना ही लिखना है, 500 से ज्यादा सर्ग हैं, पर मान लो विकल्प आए तो 500 पक्का लिखना है। पर सुंदर कांड में यदि पूछे कि सर्ग कितने हैं तो आपको 68 लिखने हैं। कितना लिखने हैं? हाँ, ध्यान रखिएगा, 128 सर्ग हैं किसमें? युद्ध कांड में, और 77 सर्ग हैं बाल कांड में, 111 सर्ग हैं किसमें? उत्तर कांड में। लेकिन यहाँ चर्चा कर रहे हैं ना सुंदर कांड की, मान लो सबका भूल जाए तो भूल जाए, सुंदर कांड में सर्गों की संख्या आपको नहीं भूलनी चाहिए, सबसे अच्छा और सुंदर माना जाता है। तो सुंदर कांड में सर्ग कितने हैं ये पूछ रहा है, तो आपको 68 में चिन्ह लगाइए। आदिकाव्य सर्ग संख्या अस्ति, आदिकाव्य क्या है? रामायण। उसमें टोटल सर्ग संख्या कितनी है? पंचशतम की, चतुशतम की, षटशतम की, त्रिशतम? तो पंचशतम, अभी अभी मैं इसकी चर्चा कर रहा था, पंचशतम माने 500 सर्गों वाला महाकाव्य कौन सा है? 500 सर्गों वाला महाकाव्य कौन सा है? रामायण। अब वाल्मीकि रामायण में कितने सर्ग हैं, उसी प्रकार का सवाल है, ये हिंदी में है, वो संस्कृत में था, तो यहाँ भी आपको क्या लिखना है? 500। और वाल्मीकि रामायण में कितने सर्ग हैं? 500। और रामायणे कस्मिन कांडे अहल्या शाप विमोचन वृत्तांतो अस्ति, ये आपसे परीक्षा में पूछा गया था कि अहल्या का शाप विमोचन वृत्तांत किसमें है? अयोध्या में है कि अरण्य कांड में कि सुंदर कांड में कि बाल कांड में? तो ये बाल कांड की कथा है, चूंकि भगवान राम अभी विवाह तक का पूरा बाल कांड है, और विवाह प्रसंग के पहले अहल्या का शाप विमोचन करते हैं, चूंकि अभी तो रास्ते में जा रहे हैं जनकपुर, तभी अहल्या मिलती है। तो इस प्रकार से कुछ कॉमन सेंस के आधार पर आप उत्तर लगाया करिए, अहल्या की कथा राम कथा में तब आती है जब भगवान राम मिथिला जा रहे होते हैं, जनकपुर जा रहे होते हैं। जब जनकपुर जाएंगे, धनुष उठाएंगे, तब ना विवाह होगा, तो विवाह के पहले का प्रसंग है, तो इसका मतलब बालकांड में है, ऐसा आपको जानना चाहिए। अब इसके आगे, रामायण श्री रामस्य ऋषिमुख पर्वत निवासो वर्णिता, रामायण में श्री राम ऋषिमुख पर्वत में कुछ दिन तक रहे,
तो वो किस कांड में वर्णित है? किष्किंधा में, कि बाल कांड में, कि युद्ध कांड में, कि सुंदर कांड में? ये पूरा किष्किंधा कांड का वर्णन है। बाली का वध भी किष्किंधा कांड में होता है, राम सुग्रीव की मैत्री भी किष्किंधा कांड में होती है, और राम जी ऋषिमुख पर्वत में चातुर्मास्य बिताते हैं, बरसात के महीने को बिताने के बाद आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे, इसलिए ये किष्किंधा कांड में सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर निवास करता है, उसी पर्वत पर श्री राम जी भी बहुत दिन तक रहे हैं। जटायु रावण का युद्ध रामायण के किस कांड में वर्णित है? जटायु रावण युद्धम रामायणस्य कस्मिन् कांडे वर्णितम्? अरण्य कांड में है, कि सुंदर में है, कि बाल कांड में है, कि किष्किंधा कांड में? तो जटायु और रावण का युद्ध होता है अरण्य कांड में, चूंकि सीता का हरण भी कहाँ होता है? अरण्य कांड में, और अरण्य माने होता है जंगल। इसके बाद किष्किंधा में भगवान राम पहुंचते हैं सीता को खोजते हुए। तो जटायु और रावण का युद्ध पूछ रहा है कि किस कांड में हुआ, तो आपको अरण्य देखना, इस प्रकार से प्रसंग ले रहा है कि एक प्रसंग दे रहा है कि अहिल्या शाप विमोचन किस कांड में है, जटायु का मरण या जटायु का रावण का युद्ध हुआ वो किस कांड में है, या श्री राम ऋषिमुख पर्वत में निवास कर रहे हैं। इस प्रकार के कांड वाइज कथाओं को आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, चूंकि इसी प्रकार के सवाल UGC खासकर पूछता है। और ये बड़ी पॉपुलर कथाएं हैं, ऐसी भी नहीं है कि नहीं आप जान नहीं सकते हैं। रामायणे यानी रामायण में हनुमतः हनुमान जी अंगुलीयक प्रदान वृत्तांतः, वो अंगूठी देते हैं भगवान राम की, कस्मिन् कांडे वर्तते, ये कथा किस कांड में? सुंदर कांड में, युद्ध कांड में, उत्तर कांड में, कि किष्किंधा कांड? ये सुंदर कांड आपको इसलिए लिखना है, मैंने आपको बताया कि सुंदर कांड की कथा जब हनुमान जी समुद्र पार करते हैं तब से लेकर और जब तक वापस नहीं आ जाते तब तक की सारी कथा सुंदर कांड में है। यदि आप इस शुरुआत और लास्ट को जानते हैं तो आप ये जानते हैं कि अंगुलीयक प्रदान, हनुमान जी ने सीता जी को जो अंगूठी दी राम जी की, वो इसके बीच का ही प्रसंग है। अभी तो हनुमान जी लंका में हैं, और जब तक हनुमान जी लंका में रहेंगे वो सारा प्रसंग सुंदर कांड का होगा। इसीलिए पूछा है कि अंगुलीयक वृत्तांत, हनुमान जी ने अंगुलीयक प्रदान वृत्तांत, अंगुलीयक जो दिया, जो अंगूठी दी उन्होंने सीता को, वो किस कांड में है? तो सुंदर कांड में है। ये आप सुंदर कांड की शुरुआत, ऐसे ही प्रत्येक कांडों में कहाँ से कथा शुरू हुई और कहाँ तक चलती है, इसको यदि आप ध्यान रखेंगे तो बड़े आराम से कर लेंगे। रामायण में हनुमता समुद्र तरणम कस्मिन् कांडे वर्णितम्? रामायण में हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे, ये किस कांड में वर्णित है? किष्किंधा, युद्ध, उत्तर, सुंदर? अभी अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि हनुमान जी का समुद्र तैरना, समुद्र को पार करना, यहीं से सुंदर कांड का पहला सर्ग है, यहाँ से सुंदर कांड शुरू होता है। और यही पूछ रहा है कि रामायण में हनुमान जी का समुद्र तरण किस कांड में वर्णित है, तो किष्किंधा, युद्ध, उत्तर, ये सब गलत हो गया। सुंदर कांड की शुरुआत ही हनुमान जी के समुद्र पार करने से होती है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? सुंदर कांड। कर लेंगे ना, कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप बताते चलिएगा। आगे यहाँ लिखना है, वाली वध रामायणे कस्मिन् कांडे, वाली का वध भगवान राम करते हैं किस कांड में? सुंदर में, कि अरण्य में, कि बाल कांड में, कि किष्किंधा में? तो ये तो बड़ी पॉपुलर कथा है, कहानी है, ये सब कुछ किष्किंधा कांड में भगवान राम करते हैं। किष्किंधा कांड में ही सुग्रीव की मैत्री होती है, वाली का वध होता है, ये सब कुछ वाली वध रामायण के किष्किंधा कांड में। रामायण में सबरी का वृत्तांत किस कांड में? रामायण में सबरी का वृत्तांत, तो ये सबरी वृत्तांत लगभग अरण्य कांड का आखिरी है। तो रामायण में सबरी वृत्तांत किस कांड में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबरी राम की बहुत भक्ता थी, राम को बहुत चाहती थी, तो सबरी वृत्तांत किस कांड में है? अरण्य कांड में है। रामायणे गंगावतरण कथा कुत्र वर्णिता, मैं जब बालकांड आपको पढ़ा रहा था तो उसमें बताया कि भगवान राम जब गंगा जी के किनारे पहुँचते हैं विश्वामित्र के साथ, राम लक्ष्मण, तो बहती हुई गंगा नदी को पूछते हैं कि महाराज इतनी बड़ी नदी, इतनी विशाल पानी, इतना ज़्यादा जल किस नदी का है? तो फिर विश्वामित्र पूरे गंगा अवतरण की कथा सुनाते हैं किसको? राम को। और ये सब कुछ कहाँ वर्णित है? बालकांड में। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, चूँकि गंगा अवतरण कथा राम से संबद्ध नहीं है, इसलिए हो सकता है आप भूल सकते हैं कि गंगा अवतरण कथा कहाँ है, तो बालकांड लिखना है। और ऋषिशृंग मुनि का चरित्र रामायण के ये भी किस में है? बालकांड में। ऋषिशृंग मुनि का चरित्र रामायण के किस कांड में वर्णित है? तो आप जानते हैं ऋषिशृंग मुनि ही दशरथ का पुत्रेष्ट यज्ञ कराने आते हैं, तो राम का पूरा बचपन, पूरा विवाह तक की कथा बालकांड में है, इसलिए ऋषिशृंग चरित्र रामायण के किस कांड में वर्णित है ऐसा पूछे तो आपको बालकांड लिखना चाहिए। अब इसके आगे फिर लिखा है कि सुंदर कांडम कुत्र निबद्धम, सुंदर कांड ये भागवत में है कि महाभारत में है कि पद्म पुराण में है कि वाल्मीकि रामायण में? तो ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि सुंदर कांड कहाँ पर है, तो ये वाल्मीकि रामायण में है। और सुंदर कांडे चंद्रोदय से वर्णन कैसा है? ये बहुत शोभनम वर्णन वर्णनम है। तो पूछ रहा है कि जो वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में चंद्रोदय का वर्णन किया है वाल्मीकि ने, वो कैसा है? रुक्ष है कि अशोभन है कि बहुत कठिन है कि शोभनम है? तो ये बहुत शोभन वर्णन है। और आगे है
कि वाल्मीकि रामायण अनुसारम दशरथस्य पुत्रेष्ट यज्ञ पुरोहितः कः आसीत्। हाँ, ऋष्यशृंगः। निश्चित रूप से वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ का जो पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ उसके पुरोहित वशिष्ठ नहीं थे, उसके पुरोहित कौन बनाए गए थे? हाँ, तो ऋष्यशृंग, ये श्रृंगी ऋषि की ही अध्यक्षता में पुत्रेष्ट यज्ञ होता है, क्योंकि पुत्र को उत्पन्न कराने में, पुत्रेष्ट यज्ञ कराने में इन्हीं को महारत हासिल थी। हाँ, वशिष्ठ ने सलाह जरूर दिया था कि ऋष्यशृंग को बुलाओ, वशिष्ठ उनके राजगुरु भी हैं, ये भी सही है, तो आप इसको गलत मत करिएगा। पुत्रेष्ट यज्ञ में पुरोहित पूछेगा तो वशिष्ठ नहीं लगाना है, क्या लगाना है? ऋष्यशृंग को, चूँकि ऋष्यशृंगी ऋषि ही ने पुत्रेष्ट यज्ञ कराया था, इसलिए इम्पॉर्टेंट सवाल हो गया। बहुत सारे लोग इसको गलत कर सकते हैं, सोचेंगे कि विश्वामित्र उनके गुरु हैं तो वही कराए होंगे। वाल्मीकि रामायणानुसारम शंबूकः केन हतः, वाल्मीकि रामायण के अनुसार शंबूक की हत्या कौन करते हैं, शंबूक को कौन मारते हैं? भगवान राम। ये बात आप उत्तरामचरितम में भी पढ़े होंगे। का सीताये दिव्यास्त्र भूषणानि प्रददाति, वैसी कौन सी महिला है जो सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण प्रदान करती है? जंगल में यदि आपने वर्णन पढ़ा होगा तो सीता जी को दिव्य वस्त्र और आभूषण प्रदान करने वाली महिला कौन है? अनसुईया है। अनसुईया बहुत उपदेश देती हैं पति के, पति को कैसे माना जाए, पति को कैसे प्यार किया जाए, पातिव्रत धर्म क्या होता है, यह बात भी अनसुईया सीता को बताती हैं। और बहुत दिव्य वस्त्र आभूषण देती हैं, ऐसे वस्त्र देती हैं जो कभी मलिन ही नहीं होते, पूरे 14 साल पहनते रहो, धोने की जरूरत ही नहीं होगी। और ऐसे आभूषण देती हैं कि आप पहने वो कभी फूल मुरझाने वाले नहीं हो, पत्ते मुरझाने वाले नहीं, ऐसे बड़े दिव्य आभूषण देती हैं और बड़ा दिव्य उपदेश भी देती हैं। इंद्रजीत केन हतः, इंद्रजीत यानी मेघनाथ को किसने मारा, ये पूछा जा रहा है। आप बताइए कौन, किसने मारा इंद्रजीत को, किसने? लक्ष्मणेन हतः। हाँ, लक्ष्मणेन हतः, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। इंद्रजीत केन हतः, तो आपको क्या लिखना है? लक्ष्मणेन। रामा ताडका वधम कस्य आज्ञा चकार, राम ने ताडका का वध किया था कहाँ? विश्वामित्र, बालकांड में। और वो किसकी आज्ञा से किया ये पूछ रहा है, तो याज्ञवल्क्य की, जनक की, कि विश्वामित्र की, कि दशरथ की, तो आपको विश्वामित्र लिखना है। राम ने ताडका का वध किसके आदेश से किया था? विश्वामित्र के आदेश से। अब केन ऋषिणा राम लक्ष्मणौ यज्ञ रक्षार्थम याचितौ, किस ऋषि के द्वारा राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मांगते हैं? तो कौन मांगते हैं? विश्वामित्र मांगते हैं। कौन मांगते हैं? हाँ, अब इसके आगे देखना। अगला सवाल है कि अशुद्धम युग्मम चिनुत, अशुद्धम युग्मम चिनुत, अशुद्ध जोड़ा आपको छांटना है। रामायण प्रतिमा नाटक, रामायण पर आश्रित है प्रतिमा नाटक, भास का प्रतिमा नाटक है, इसके पहले वाले वीडियो में देखिए आपको बताया गया है, इसका मतलब ये क्या है, ये सही है। और रामायणम अभिज्ञान शाकुंतलम, ये एकदम गलत है। रामायणम उत्तरामचरितम, ये सही है। रामायण अनर्घ राघवम, ये भी सही है। तो अशुद्धम युग्मम आपको चुनना है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? हाँ, तो यही उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि अशुद्ध युग में चुनना है ना, रामायण और प्रतिमा नाटक, ये तो शुद्ध जोड़ा है। रामायण उत्तर रामचरितम, ये शुद्ध जोड़ा है। रामायण और अनर्घ राघव, ये कैसा है? ये शुद्ध जोड़ा है। ठीक है, अब आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन काव्य रामायण का उपजीवी नहीं है? कैसा कौन सा काव्य है जो रामायण का उपजीवी नहीं है, अर्थात जो रामायण को आधार मानकर नहीं लिखा गया है? उत्तर रामचरितम रामायण को आधार मानकर लिखा गया है, रघुवंश भी लिखा गया है, महावीर चरितम ये भवभूति की रचना है, महावीर माने भगवान राम। अब इसका मतलब, इसका उत्तर हो जाएगा महावीर चरितम। निम्नलिखित में से कौन काव्य रामायण का उपजीव्य नहीं है, या रामायण का उपजीवी नहीं है? रामायण तो उपजीव्य है ही, रामायण का उपजीवी कौन नहीं है? किराता। ये किसका उपजीवी है? महाभारत का, महाभारत का उपजीवी है, और महाभारत इसका उपजीव्य है, और यह उपजीवी ग्रंथ है। ठीक है, ऐसे उत्तर रामचरितम उपजीवी है और रामायण उपजीव्य है, रघुवंशम उपजीवी ग्रंथ है और रामायण क्या है? उपजीव्य ग्रंथ है। रामायणम आश्रित्य यस्य कथा अस्ति, रामायण को आधार मानकर जिसकी कथा है, क्या रत्नावली की कथा रामायण आश्रित है, या पंचरात्रम की, या मालविकाग्निमित्रम की, या कुंदमाला की? तो आपने पढ़ा होगा यदि शायद आपने उत्तर इसका, तो कुंदमाला किसकी रचना है? ये दिग्नाक की। तो ये कुंदमाला राम कथाश्रित है, रामायणम आश्रित यस्य कथा अस्ति, उनमें से चार विकल्पों में आपको क्या सही का चिन्ह लगाना है? कुंदमाला। ठीक हो गया, अब आगे चलिए। यस्य कथा रामायणाश्रिता नास्ति, जिसकी कथा रामायणाश्रित नहीं है, महावीर चरितम की, अभिषेक नाटकम की, मृच्छकटिकम की, उत्तर रामचरितम की।
देखिए महावीर चरितम ये राम कथाश्रित है, अभिषेक नाटक भास वाला है ये भी राम कथाश्रित है, उत्तर राम चरितम तो है ही, मृच्छकटिकम एक ऐसा ग्रंथ है जो रामायण पर आश्रित नहीं है। तो क्या रामायण पर आश्रित है ये भी पूछ सकता है, और क्या रामायण पर आश्रित नहीं है ये भी पूछ सकता है। अब बाली कहाँ का राजा था, लंका का राजा तो रावण था, अयोध्या के राजा दशरथ थे, किष्किंधा का राजा बाली था, और कैकेयी का राजा कैकेयी नरेश सरस्वती थे जहाँ की कैकेयी थी। तो पूछता है कि बाली कहाँ का राजा था, तो आपको क्या लिखना है, किष्किंधा का, ठीक हो गया। और लंका का राजा पूछ लेगा तो रावण लिखना है, बिल्कुल रावण को सब लोग जानते हैं। अब आगे देखिए, अगला सवाल आ सकता है कि सुग्रीव नामकम पात्रम कस्मिन् ग्रंथे विद्यते, सुग्रीव नाम का पात्र किस ग्रंथ में है, महाभारत में कि शिव पुराण में कि देवी भागवत में कि वाल्मीकि में, आप सब जानते हैं ये, कोई इसमें कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। और आगा है कि श्री रामचंद्र एनम व्याकरण शास्त्रज्ञ इति प्रशंसति, श्री रामचंद्र ने व्याकरण शास्त्र के ज्ञान की प्रशंसा की थी, किसके व्याकरण शास्त्र के ज्ञान की प्रशंसा की थी, नहीं 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 गलत बता रहे हैं, श्री रामचंद्र ने व्याकरण शास्त्रज्ञ की प्रशंसा किसकी की थी, हनुमान जी की, ठीक है। श्री रामचंद्र एनम व्याकरण शास्त्रज्ञ इति प्रशंसति, लक्ष्मण से प्रशंसा किया था राम ने, किसके व्याकरण के ज्ञान की, हनुमान जी के व्याकरण, जब सुग्रीव के द्वारा हनुमान जी भेजे जाते हैं तो राम और हनुमान जी की बातचीत होती है, और उसमें श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि अः लक्ष्मण देखो इस विप्र को, इसने व्याकरण संबंधी कोई त्रुटि नहीं की है, संस्कृत में कितना धारा प्रवाह बोलते हैं। तो रामचंद्र ने व्याकरण शास्त्र के ज्ञान की प्रशंसा किसकी की थी, हनुमान जी की। ये भी बड़ा सुंदर सा सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और मान लो परीक्षा में पूछे ना पूछे तब भी आपके लिए जानना चाहिए कि भगवान राम ने हनुमान जी के व्याकरण शास्त्र के ज्ञान की प्रशंसा की थी। आगे आइए, स्वर्ण मृग रूपेण पंचवट्याम उपस्थितस्य राक्षसस्य नाम किम, मारीचा जो, हाँ ये तो आप बता ही लेंगे, आप भी मारीचे हैं लगता है। सोने का मृग का रूप धारण करके पंचवटी में कौन राक्षस आया था, ये सवाल है, तो बता रहे हैं भाई साहब की मारीच है, कौन है, मारीच है, सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, अच्छा है। खरदूषण का वध किया था उन्होंने, राम जी ने 14,000 सेना के साथ खरदूषण का वध हुआ था। कबंध नाम का भी राक्षस मिला था जिन्होंने बताया था कि आप आगे जाओ सुग्रीव से आपकी मैत्री होगी वगैरह वगैरह। रुमा इति कस्याः नाम, रुमा किसका नाम है, सुग्रीव की पत्नी का कि अंगद की माता का कि नल नील की माता का कि विभीषण की पत्नी का, ये सुग्रीव की पत्नी का नाम है रुमा, और बाली की पत्नी का नाम है तारा, ध्यान रखिएगा। तो रुमा इति कस्याः नाम, सुग्रीव पत्नी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। अंगद की माता तारा है, विभीषण की पत्नी का नाम पता नहीं, नल नील की माता का नाम भी नहीं पता है। सुंदर कांड से क्रम संख्या का वर्तते, सुंदर कांड की क्रम संख्या पूछ रहा है, कौन सी, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी, हाँ तो अभी अभी इस प्रकार का एक सवाल आपने पढ़ा था कि सुंदर कांड से क्रम संख्या कौन सी है, पंचमी, कौन सा है, पंचमी होगा ना, पांचवा कांड है ये। सागर लंघने के त्रयोजना समर्था, सागर को पार करने में कौन तीन लोग समर्थ हैं, बोलिए, हनुमान गरुण, हाँ नील नल द्विविध, नहीं गलत है, मैनाक प्रवर्षण कैलाश एकदम गलत, प्रवेको विवेको अरुण, हनुमान गरुण और वायु, देखिए तीनों विकल्पों में हनुमान कहीं है ही नहीं, और हनुमान जी सागर पार किए थे, और या तो हनुमान जी समुद्र को पार कर सकते हैं, या तो गरुण जी पार कर सकते हैं, और या तो वायु पार कर सकते हैं, वायु तो इनके पिता हैं, हनुमान जी बेटे हैं, वायु पुत्र हैं, वायु सुत हैं, तो बाप बेटवा ये पार कर सकते हैं, और तीसरा कोई पार कर सकता है तो गरुण, और ये बात वाल्मीकि रामायण में भी लिखी है कि तीन ही लोग समुद्र को पार कर सकते थे, या तो बाबू उनकर पापा हनुमान जी के, वायु पवन पुत्र हैं ये, और या तो स्वयं बेटवा, और नहीं तो गरुण भगवान, ठीक है। और गरुण जी भी इसीलिए कि गरुण जी विष्णु भगवान के का वाहन है, इसलिए वो भी इसको पार कर सकते हैं। अजस्य पितुः नाम किम, यहाँ पूछ रहा है कि अज के पिता का क्या नाम है, रघु, अजस्य पितुः नाम किम, रघु, आप इसको सही कर लें। और अश्वमेध यज्ञ वर्णनम रामायणस्य कस्मिन् कांडे, अश्वमेध यज्ञ का वर्णन रामायण के किस कांड में, तो ये सबसे आखिरी में जब भगवान राम वहां से आ जाते हैं तब अश्वमेध यज्ञ का वर्णन होता है, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, तो ये उत्तरकांड की कथा है। मंदोदर्या पति कह, मंदोदरी का पति कौन है, रामा, गड़बड़ा देंगे तब, मंदोदरी का पति कौन है, हाँ चलो कम से कम इतना तो जानते हैं, मान लो कोई सवाल ना आए तो ना आए, इसका तो उत्तर लिख ही लोगे आप, मंदोदरी के पति का नाम पूछ रहा रावण, चलो जानते हैं यही कौन सी बात है, रावण के पत्नी का नाम जानते, रावण जिंदा होता तो आज तुम्हारा मूड काट लेता। चलिए,
अब अगला सवाल है कि अधस्तन वाक्यानाम सत्या सत्य पर्यायेषु समीचीनम विचिनुत। नीचे लिखे वाक्यों में सत्य और असत्य को आपको बताना है कि कौन समीचीन है। बहुत ये चार चीज़ें हैं यहाँ पर, आप यहाँ तक को पढ़िए और फिर बताइए क्या सच है क्या असत्य। रामायणीया कथा महाभारते न प्राप्यते, रामायण की कथा महाभारत में नहीं प्राप्त होती, ये सच है कि असत्य है? ये क्या होगा, रामायण की कथा महाभारते न प्राप्यते, ये महाभारत में प्राप्त होती है, इसका मतलब ये असत्य कथन है, ये क्या होगा? और रामायणीया कथा महाभारते प्राप्यते, ये तो सत्य हो गया, रामायण की कथा महाभारत में मिलती है। भाई इनमें से एक झूठ है एक सही है, रामायण की कथा महाभारत में मिलती है, वो राम राम रामोपाख्यान नाम से, तो महाभारत में ना प्राप्यते ये लिख रहे हैं, इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य है। तो रामायण की कथा महाभारत में प्राप्त होती है, सत्य हो गया। अब महाभारत कथा रामायणे न प्राप्यते, हाँ महाभारत की कथा रामायण में नहीं मिलती है, ये भी क्या है, सत्य है। भाई महाभारत की कथा रामायण में कैसे मिलेगी, रामायण पहले का है महाभारत बाद का है। और महाभारत कथा रामायणे प्राप्यते, महाभारत की कथा रामायण में नहीं प्राप्यते, ये सही है ना कि महाभारत की कथा रामायण में नहीं मिलती, और महाभारत की कथा रामायणे प्राप्यते, ये क्या हो गया, ये झूठ हो गया ना। महाभारत की कथा रामायण में मिलती है क्या, महाभारत की कथा रामायण में मिलती है क्या, क्या हो गया, ये असत्य हो गया। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, महाभारत की कथा रामायण में नहीं प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है, रामायण की कथा महाभारत में प्राप्त होती है। रामायण की कथा तो महाभारत में है, पर रामायण की कथा महाभारत में, क्षम्यताम, रामायण की कथा महाभारते न प्राप्यते, रामायण की कथा महाभारत में नहीं मिलती है क्या, मिलती है, रामोपाख्यान नाम से क्या होती है, मिलती है। तो इसका मतलब राम ये जो लिखा है ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। कथन आपको सत्य असत्य छांटना है ना। और यहाँ लिखा है कि रामायण की कथा महाभारत में प्राप्यते, रामायण की कथा महाभारत में मिलती है, रामायण की कथा महाभारत में मिलती है, ये सच हो गया। और रामायण की कथा महाभारत में नहीं मिलती है, ये असत्य हो गया। और महाभारत की कथा रामायण में प्राप्त होती है, महाभारत की कथा रामायण में ना प्राप्यते, ये बिल्कुल सच कथन है, क्योंकि रामायण में महाभारत की कोई कथा मिलती नहीं है। और महाभारत की कथा रामायण प्राप्यते, क्या महाभारत की कथा रामायण में मिलती है, तो महाभारत की कथा रामायण में नहीं मिलती है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया, गलत माने असत्य हो गया। अब आपको समझ में आ गया कौन सा सही हो जाएगा, असत्य सत्य सत्य असत्य, हाँ तो कौन सा विकल्प इसमें, चौथा, हाँ चौथा सही है ना, हाँ तो आप चौथे को सही कर लीजिए। समझ में आ गया ना, ऊपर यहाँ जो आप अभी पढ़ रहे थे, हाँ आगे देखिए, राम लक्ष्मणयोः अध्ययनं कुत्र जातम्, राम और लक्ष्मण का अध्ययन कहाँ हुआ, वशिष्ठ, हाँ तक्षशिला वो गए नहीं, पिता के घर में नहीं थे, वो पिताजी ने वशिष्ठ के आश्रम में भेज दिया था, तो ये कॉमन सी बात है कि वशिष्ठ के यहाँ पढ़ने गए थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई। यावत् स्थास्यन्ति गिर्यः सरितश्च महीतले इत्येतद् वाक्यं कम अनुसरति, यावत् स्थास्यन्ति गिर्यः सरितश्च महीतले, इसको भी आपने पढ़ा पिछली वाली वीडियो में, हाँ तो ये कहाँ मिलती है, रामायण में। और दशरथस्य कति पुत्राः आसन्, दशरथ के कितने पुत्र थे, हाँ ये तो कोई सवाल नहीं, तो बड़ा कॉमन सी बात है, इसको तो हमारे गाँव में जो गाय भैंस चराते हैं वो लोग भी बता देंगे, दशरथ के कितने बेटे, सीता स्वयंवरे ऐषम धनु केन भग्नम, ऐषम माने भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ा, सीता स्वयंवर में ऐषम धनु माने शिव का धनुष किसने तोड़ा, बाण ने कि लक्ष्मण के, रावण के, राम ने, ठीक है ये भी आप देखेंगे। सीता केन हरता, सीता का हरण किसने किया, किसने किया, हाँ तो यहाँ क्या उत्तर लगा देंगे, रावण ने। और वाली केन हता, वाली किसके द्वारा मारा गया, हाँ रामेण। और रावणस से भार्या का, रावण की भार्या कौन है, सीता सुलोचना मंदोदरी त्रिजटा, अरे वाह बहुत नाम याद किया दूसरे की पत्नी का है, दूसरे का अपनी पत्नी का नाम भुला जाता है, फोन करके पूछता है कि आपका नाम क्या है, और रावण की पत्नी का नाम पूछे तो मंदोदरी, रुको फोन लगाते हैं रावण को। रामेण को लंकाधिपति करता, रामेण राम के द्वारा कौन लंकाधिपति बना दिया गया, विभीषण,
राम ने लंकाधिपति रावण को मारने के बाद किसको बनाया था? विभीषण को। अब एक पत्नी व्रत धरा का है, एक पत्नी व्रत किस कौन धारण किया था? दशरथ की तीन तीन तो थी, तो ये तो हो ही नहीं सकते, तो इसलिए इनमें एक ही थे। कौन थे? राम। इसीलिए जब सूर्पणखा आई थी तो राम ने मना कर दिया, चूंकि एक पत्नी व्रत धरा का जब आपसे पूछेगा तो क्या लिखेंगे? रामा। हाँ, तुम्हारे तो एक और पत्नी नहीं है, कहीं तुम्हारी तरह है, तो तुम्हारे जब एको नहीं है, तुम तो एक पत्नी हो, शून्य पत्नी व्रत धरा हो तुम। मधुराम नाम प्रेम कस चक्रे, मधुरा नाम की पुरी को किसने बनाया? ये शत्रुघ्न। इसकी चर्चा पीछे हम लोग कर चुके थे, मधुरा मथुर नामक राक्षस को मार करके मधुरा शत्रुघ्न ने बनाया था। कुशा कस्य सुता, कुश किसके बेटे हैं? रामस्य। सागर लंघन समय, जब सागर पार कर रहे थे तो हनुमतो बल परीक्षा कया करता, हनुमान के बल की परीक्षा किसने की? सुरसा ने, कि सीता ने, कि आदित्य ने, कि राजलक्ष्मी ने? तो क्या उत्तर लगाएंगे? अब आप सब राम कथा पढ़े हैं, इसलिए सब सिंपल सिंपल सवाल हैं। सूक्ष्म रूपम धृत्वा, छोटा रूप धारण करके, लंका प्रवेश काले, लंका के प्रवेश के समय में हनुमान कया अवरुद्धा, हनुमान किसके द्वारा रोक लिए गए? प्रकृति, अर्थ प्रकृति। नहीं, सूक्ष्म रूपम धृत्वा, छोटा रूप धारण करके जब लंका में प्रवेश कर रहे थे हनुमान जी, तो किसने रोका हनुमान जी को गेट पर? हाँ, इनको। अब राम कथा में जटायु आख्यान कौन सी अर्थ प्रकृति है? राम कथा में जटायु आख्यान ये क्या है? जटायु वाला आख्यान क्या है? बीज, बीज है कि पताका है कि प्रकरी है कि कार्य है? क्या होगा ये? प्रकरी। जो छोटी छोटी देर तक, छोटे समय तक चलती हो, क्या होती है? प्रकरी। तो जटायु का आख्यान पूछ रहा है राम कथा में, जो जटायु आख्यान पक्का ना, जटायु आख्यान राम कथा में क्या कहलाएगा? हाँ, प्रकरी नामक अर्थ प्रकृति। अब रामायण सुग्रीवादि वृत्तम अस्ति, रामायण में जो सुग्रीवादि का वृत्तांत है उसको क्या कहेंगे? रामायण में जो सुग्रीवादि का वृत्तांत है वो पताका है कि प्रकरी है, कि पताका स्थानक है कि आधिकारिकम है? पताका। ये क्या कहलाएगी? हाँ, और ये भी परीक्षा में बहुत पूछता है कि रामायण में सुग्रीव का वृत्तांत क्या है? पताका है। और जटायु का आख्यान क्या है? जटायु आख्यान को क्या कहते हैं? प्रकरी। तो पताका प्रकरी वाला ये प्रसंग आपको देख के चलना है, ठीक हो गया? आगे आइए। देशे देशे कलत्राणी, देशे देशे च बांधवाः, तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। उपर्युक्त श्लोक में महत्व प्रतिपादित है बंधु का, कि कलत्र का, कि देश का, कि सहोदर भ्राता का? सहोदर भ्राता। हाँ, तो वहाँ लिखा ही है यत्र भ्राता सहोदरा, ये यहाँ लिखा है। बोले देश देश में स्त्रियां हैं, देश देश में बंधु बांधव हैं, और ऐसा देश हम नहीं देखते हैं जहाँ पर सहोदर भाई जैसा प्यार हो, राम में, लक्ष्मण में, भरत में, शत्रुघ्न में। अब ये उपर्युक्त श्लोक में किसका महत्व प्रतिपादित है पूछ रहा है, तो आपको लिखना है सहोदर भ्राता का। अगला क्वेश्चन है, वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बताइए। उत्तरकाशी। वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। और क्रौंचद द्वंद वियोगोत्थ और डैश 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 शोका श्लोकत्वमागतः, पीछे पढ़ा आपने, इसलिए इसका क्या होगा? शोका। क्रौंचद द्वंद, क्रौंच के जोड़े में से एक जो वियोग उठा वाल्मीकि के हृदय में, वो शोक ही मानो श्लोक के रूप में बाहर आ गया। तभी उन्होंने कहा मान शाद प्रतिष्ठां तुम गम शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुना देक मवधि काम मोहितम। तो क्रौंच द्वंद के वियोग से उठा शोक वही श्लोक के रूप में बाहर आ गया। तो शोका को आपको सही करना है। अब अगला सवाल ले लीजिए। अगला प्रश्न है, कस्य पक्षिणः वधात् शोकः श्लोकत्वम् अजायत, किस पक्षी के वध के कारण शोक ही श्लोक रूप में आया? कौन सा पक्षी था? गिर था कि शुक था कि कोकिल था कि क्रौंच था? तो क्रौंचस में आपको सही लगाना है। सब जानते हैं, बड़े सिंपल सिंपल सवाल हैं। रावणा सुरात सीतायाः विमुक्ति अनया स्वप्ने ने दृष्टा, रावण असुर से सीता की विमुक्ति किसने सपने में देखी? मंदोदरी ने, कि तारा ने, कि कैकेय ने, कि त्रिजटा ने? किसने देखा? त्रिजटा ने देखा। त्रिजटा नाम के राक्षसी ने देखा कि सीता मुक्त हो गई। रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति, कदा? रावणम मन्यमाना माम, ये जब हनुमान जी पहुंचते हैं और सोचते हैं कि संस्कृत में बात करूं तो कहीं मुझे रावण ना समझ लें सीता, तो रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति कदा, तो क्या उत्तर होगा इसका? हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है, वो ये सोचते हैं कि मैं संस्कृत बोलूंगा ब्राह्मणों की तरह, तो हमको कहीं, रावण चूंकि ब्राह्मण था तो और बड़ा विद्वान था, संस्कृत में बोलता था, तो
तो ये इसका उत्तर सही हो जाएगा कि रावणम मन्यमाना माम, रावण मुझे मान करके सीता कहीं भीता ना हो जाए, सीता कहीं डर ना जाए, इसलिए द्विजातिर्व संस्कृत भाषण यदि मैं करूँगा तो हमको रावण ना समझ लें, इसलिए ये वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। ठीक होगा। आगे देखिए, कस्मिन युगे रामो राज्यम चकार, किस युग में राम राज्य कर रहे थे? त्रेता युग में। रावणे ने सीता कुत्र स्थापिता आसीत, रावण ने सीता को कहाँ रखा था? अशोक वाटिका में। आगे, मां निषाद प्रतिष्ठाम उक्ति किससे संबद्ध है? मां निषाद प्रतिष्ठाम ये वाली उक्ति किससे संबद्ध है? तो क्या लिखेंगे? वाल्मीकि से। किससे संबद्ध है? वाल्मीकि से। रामायणे श्लोक संख्या बहुत, रामायण में कितने श्लोक संख्या हैं, श्लोक कितने हैं उनमें? तो यहाँ देखिए 31,000 से 40,000 कि 11,000 से 15,000, 22,000 से 25,000 कि 5,000 से 10,000। तो 22 कम से कम और अधिकतम 25, इन बीच की ये संख्या रामायण में श्लोक संख्या, तो 24,000 हैं। तो 22 से 25 वाला विकल्प आपके लिए ज़्यादा सुटेबल बैठ रहा है, इसलिए आप इसको सही करें। अब इसके आगे जब आप पढ़ेंगे, रामायणाश्रितम काव्य में एतद् भविष्यति, रामायणाश्रित काव्य कौन सा है? किरात आप जानते हैं, ये महाभारत आश्रित है, नैषद ये भी महाभारत है, शुष्पाल ये भी महाभारत आश्रित है, तो रघुवंश ये एक ऐसा महाकाव्य है जो रामायणाश्रितम काव्यम एतद् भविष्यति। कौन सा चार विकल्पों में रामायणाश्रित महाकाव्य है? तो रघुवंश आपको सही करना है, कर लेंगे। अब अनार्य जुष्टमस्वर्गम कुर्याम पापमहम यदि इक्ष्वाकुणामहम लोके भवेयम कुलपांसना केन इदम उच्यते, ये किसने कहा? किसने कहा? हाँ, जब भरत जी मनाने आए थे राम को, तो अनार्यजुष्ट मस्वर्गम कुर्याम पापमहम यदि इक्ष्वाकुणामहम लोके भवेयम कुलपांसना, ऐसा भरत जी राम जी से कहते हैं। शोका श्लोकत्वमागता ये किस कांड में वर्णित है? बालकांड में। और रामायणस्य समीक्षिता वृत्ति कया संस्थया प्रकाशिता, रामायण की समीक्षा वृत्ति किस संस्था के द्वारा प्रकाशित? विद्या मंदिर वडोदरा, ये आएगा यहाँ, प्राच्य विद्या मंदिर वडोदरा की भंडारकर संशोधन संस्था पुणे। कौन सा उत्तर सही होगा इसका? प्राच्य विद्या मंदिर वडोदरा, पक्का। अब आगे है, सुलभा पुरुषाह राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा, श्लोकम अमुम रावणासुरम प्रति कः उक्तवान, इसको रावण के प्रति कौन बोलता है? कौन बोलता है? मारीच। कौन बोलता है? ये श्लोक रामायण में दो बार आया है, एक बार सुग्रीव विभीषण बोलते हैं और एक बार मारीच बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी यहाँ पर मारीच ना रहे तो विभीषण भी सही होगा। प्रतिपद पाठशीलस्य विद्येव तनुतांगता ये मुक्ति ही, जैसे प्रतिपदा में पढ़ने वाले की विद्या कमजोर हो जाती है, दुर्बल हो जाती है, ऐसी ही सीता कमजोर हो गई है, ये बात कही गई है किसमें? रामायण में। ठीक है, ध्यान रखना है, श्लोक का अर्थ भी ध्यान रखेंगे तो आएगा। ये देखो यहाँ पर आ गया, इसका उत्तर देखना, अभी मैं चर्चा करता है, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रियसित पक्ष से वक्ता श्रोता च दुर्लभा, श्लोकम हम रावणासुरम प्रति कः उक्तवान, इसको रावण के प्रति कौन कहता है? अब यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? विभीषण। ये श्लोक में बताया ना कि रामायण में दो बार आया, एक बार विभीषण रावण से कहता है और एक बार मारीच भी यही बात रावण को समझाता है, रावण को, कि सुलभा पुरुषा राजन, ऐ राजन ऐसे पुरुष बहुत मिलेंगे आपको, सुलभ हैं, जो हमेशा आपके सामने प्रिय बोले, पर आपके हित की बात करने वाले आपको अप्रिय जरूर लगेगा, लेकिन आपके पथ की बात करने वाले, हित की बात करने वाले वक्ता श्रोता दोनों दुर्लभ हैं। ये बात रावण से एक बार विभीषण भी कहता है और यही बात मामा मारीच भी कहता है, कभी कभी मामा लोग अच्छी बात भी कहते हैं। ठीक है, तथा मैं माधवी देवी विवरम दातुम अर्हति उत्तरे वाल्मीकि रामायण कांडे केन उक्तम, ये उत्तर कांड में किसने कहा है? सीता ने कहा है, सीता ने कहा है, हे माधवी देवी, हे पृथ्वी देवी, हमको अपने में स्थान दीजिए, ऐसा उत्तर राम उत्तर कांड में सीता जी कहती हैं वाल्मीकि रामायण में। ठीक है, उत्तर कांड में सीता बोलती हैं, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपरे त्वभि जानामि नित्यं पादाभिवंदनात् अयम श्लोकः, ये कहाँ का श्लोक है? ये श्लोक रामायण का है, प्रसंग है जब सीता के आभूषण दिखाए जाते हैं, सीता ने जाते समय आभूषण फेंक दिए थे, सुग्रीव उसको पाया था, सुग्रीव ला करके राम के सामने आभूषण सीता के दिखाता है, राम जी पूछते हैं कि अरे लक्ष्मण तुम जानते हो ये आभूषण तुम्हारी सीता के हैं, तुम्हारे भावी सीता के हैं? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं केयूर और कुंडल तो नहीं जानता, पर मैं नित्य चरण वंदन करता था सीता जी का, तो ये नूपुर उनके हैं, ये पायल उनके हैं, ये मैं पहचानता हूँ, ना हम जानामि केयूरे, मैं केयूर नहीं जानता, ये कुंडल नहीं जानता, पर हे भैया मैं नित्य भाभी के श्री चरणों की वंदना करता था, इसलिए नूपुर उनके हैं, ये पायल उनके हैं, ऐसा मैं जानता हूँ, ऐसा रामायण में
लक्ष्मण कहते हैं किसके बारे में, सीता जी के बारे में, जब राम जी पूछते हैं तब। आगे, धर्म सारमिदम जगत, इस वाक्य वाला ग्रंथ कौन, धर्म सारमिदम जगत, वाल्मीकि रामायण, ये वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि पूरा इस जगत में राम धर्म ही सार है, धर्म सार वाला ही पूरा जगत है। लगभग 90-92 क्वेश्चन की सीरीज थी, इसके बाद आ गया महाभारत। हम महाभारत की चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन आज बस इतना ही हमारे इस टॉपिक में। अगले महाभारत में भी बहुत सारे सवाल, बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे उपजीव ग्रंथ, रामायण का, महाभारत का काल क्या है, महाभारत के लेखक कौन है, ऐसे कुछ चर्चाएं हम आपसे महाभारत के विषय में करेंगे, लेकिन आज बस इतना ही। और यदि संस्कृत के अलावा भी आपको यूपी टेट से संबंधित या गणित पढ़ना है, या आपको पर्यावरण पढ़ना है, या बाल मनोविज्ञान पढ़ना है, या और किसी विषय की आपको तैयारी करनी है, तो हमारे कुछ मित्रों ने एक चैनल शुरू किया है ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के नाम से। आप उस ऑनलाइन यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप अन्य विषय के लोग हैं, या अन्य विषय के लोग हैं और फ्री में निःशुल्क में क्लास करना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी नाम के उस चैनल को देख सकते हैं, शायद आपके उपयोगी होगा। और मैंने ये निर्णय लिया है कि अपने संस्कृत गंगा के चैनल में हम सिर्फ संस्कृत की बात करेंगे, और वो संस्कृत संबंधी बात चाहे यूपी टेट से जुड़ी हो, चाहे TGT से, चाहे PGT से, चाहे UGC से, और चाहे IAS और PCS में जो लोग संस्कृत लेकर के पढ़ना चाहते हैं, उनके करियर के लिए भी संस्कृत जहाँ होगी वहीं संस्कृत गंगा अपना काम करेगी, बाकी सभी क्षेत्रों से हम अपने को हटाते हैं। संस्कृत गंगा नाम सार्थक रहे, गंगा जी के किनारे ये संस्था है और संस्कृत इसका नाम है, तो संस्कृत गंगा केवल संस्कृत के क्षेत्र में काम करे, ऐसा हम लोगों ने निर्णय लिया है। बाकी चीज़ों के लिए आप ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चैनल को देख सकते हैं। बस आज इतना ही। नमस्कार संस्कृताय है।